सो गाइस, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में हम जा रहे हैं संजय गांधी नेशनल पार्क। और जैसे कि आप अभी देख सकते हो, हम लोग बोरीवली स्टेशन पहुंच चुके हैं। यहाँ से आप रिक्शा से भी जा सकते हो या फिर बस भी पकड़ सकते हो, मतलब हम भी फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। सो आप ये वीडियो देख के जा सकते हो नेशनल पार्क। सो चलो निकलते हैं। सो गाइस, अभी हम नेशनल पार्क के बाहर है। हम लोग आए रिक्शा से, एकदम बराबर सामने छोड़ा हम लोग को। और अभी हमारे दोस्त इधर लाइन में खड़े। 75 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है फिलहाल एंट्री का सिर्फ। और अंदर के बाकी के अगर है जैसे, वो मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूँगा थ्रू वीडियो। सो लेट्स गो, आगे बढ़ते। सो जैसे ही आप एंटर करोगे ना, सो एक मेन रोड रहता है जहाँ पे ना कानेरी केव्स के लिए बस जाती है। और साइड से ना फुटपाथ है, और ना वो फुटपाथ पे हम लोग अंदर घुस गए एक्चुअली। और ये लोग का इधर चालू हो गया रिसर्च एंड ऑल। सो ये मेरे दोस्त लोग है, ये है स्वप्निल। हाय ब्रो, हाय 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 हाय। जिंदगी में इतनी खुशी कभी नहीं हुई। रुको रे, शांत रहो भाई, छुट्टी काट ली अपने, छुट्टी काट ली। लाइफ में इतनी खुशी कभी नहीं हुई। दसवीं अपने दम पे पास हुआ, जब कोविड से बारहवीं पास हुआ तब भी उतनी खुशी नहीं हुई थी जितना हर्षांक कार्ड्स में आके आज हुई है। धन्य हो गए हम प्रभु, धन्य हो गए। हम लोग को बहुत अनोखे रास्ते मिल रहे और हम लोग उधर ही घुस रहे। पता नहीं रास्ता, ये देखते हैं अभी हम लोग कोने कोने के रास्ते से जा रहे हो। आई डोंट थिंक आई विल रिकमेंड, बट थोड़ा एडवेंचरस होना भी जरूरी है। ओ गाइस, संजय नेशनल पार्क इज बेसिकली अ पार्क। आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। हाँ, मतलब एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्क है। फ्री कॉलोनी एक ग्रीन हब है मुंबई का, वैसे ही नेशनल पार्क भी वैसे ही काम करता है। मतलब बहुत यहाँ पे ग्रीनरी है और बहुत सारे एक्टिविटीज़ है, जैसे कि मिनी ट्रेन है, बोटिंग है, अंदर साइकिलिंग कर सकते हैं। और जो आसपास रहते हैं वो लोग वॉक्स के लिए भी आते हैं। मतलब बहुत सारी जगह है फन एक्टिविटीज़ करने के लिए। एंड प्लस यहाँ से बस स्टॉप भी है जहाँ से आप कानेरी केव्स जा सकते हो। सो फिलहाल के लिए हमारा प्लान है कि घूमें हम लोग, मतलब थोड़ा एक दो घंटा टाइम पास करें नेशनल पार्क में, और फिर वहाँ से जाए कानेरी केव्स, क्योंकि दोनों जगह आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सो अभी हम फिलहाल आए हैं डैम के यहाँ पे। डैम के आगे यहाँ पे है थोड़ा रिफ्रेश होने का पॉइंट। यहाँ पे आप नींबू पानी पी सकते हो और यहाँ पे एक स्टॉल है फ्रूट्स वगैरह खाने के लिए। पहले नेशनल पार्क में बहुत जानवर थे, अभी आपको सिर्फ बंदर दिखेंगे, बहुत सारे बंदर। ये देखो बंदर, ये देखो बंदर ही बंदर, बहुत सारे बंदर दिखेंगे। सो अभी बहुत टाइम पास कर लिया यहाँ पे, सब जहाँ पे घूमना था घूम लिए और अभी जा रहे कानेरी केव्स ना। घर नहीं जा रहे, कानेरी केव्स जा रहे। सो यहाँ पे हमने अभी पानी पिया है, ठंडा पानी है, ड्रिंकिंग वाटर है। आसपास खाने पीने के लिए भी बहुत जगह है, तो बहुत सारे सिमिलर स्टॉल्स मिल जाएंगे। मतलब हर जगह सेम ही चीज़ मिलेगी आपको, स्टार फ्रूट एंड ऑल। और बारिश शुरू हो गई शेड में जा दो। सो अभी हम लोग बस स्टॉप पे रुके, वो साइड से एंट्रेंस है। और आप वहाँ से आओगे ना, सो आप देख सकते हो ये पूरी लाइन है और ये बस स्टॉप है कानेरी केव्स का। जस्ट एंट्रेंस से थोड़ा सा आगे आना है, आप किसको भी पूछ सकते हो। और यहाँ पे लाइन रहती है, ये बोल रहे हैं कि 10-15 मिनट में आती है, बट आई थिंक ऑलमोस्ट एटलीस्ट 30 मिनट्स तो लगता ही है बस को आने में। सो अभी हम लोग बस में बैठ चुके हैं और जा रहे कानेरी केव्स।
₹10 टिकट है, जो नॉर्मल बेस्ट बस रहती है वैसा ही है। पूरा 30 मिनट्स के ड्यूरेशन में आती है बस, इंटरवल्स में आ गई 10-15 मिनट में, ज़्यादा देर नहीं लगा 20 मिनट में। गूगल पे देखा तो टोटल 8 किलोमीटर का सफ़र ऐसा बोला जा रहा है, तो बाहर आपको बोला जाएगा साइकिल लेने के लिए, बट प्लीज़ लेना मत, क्योंकि ये एक रीज़न है जो आपको मैंने अभी बताया कि स्लोप है, और स्लोप पे साइकिल चलाने में आपकी फट जाएगी। सो बस से आना आराम से, ₹10 बस टिकट है। सो ये मेन एंट्रेंस है, बट सब इंटरेस्टेड है वड़ा पाव का स्टॉल ढूंढने में और ककड़ी खाने में, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा उसमें था कि वड़ा पाव का कैंटीन है, बट दिख नहीं रहा इसलिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस सफ़र। सो ये सीढ़ियाँ चढ़ोगे और यहाँ पे है टिकट काउंटर, यहाँ से टिकट खरीदना, यहाँ पे जाना, यहाँ पे अंकल बैठे, अंकल से टिकट कंफर्म करवाना और फिर अंदर एंट्री करना। ये है यहाँ का व्यूइंग पॉइंट और अच्छा खासा व्यू आ जाता है, मतलब सब जगह आपको ग्रीनरी 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 दिखेगी जो आजकल रेयर होते जा रही है। नॉर्मल अच्छा रास्ता है, बट एज यूजुअल हम लोग इसी रास्ते से जाएंगे। अच्छा कहा बात भाई, इजी नहीं है अभी सोचे जाएंगे, अभी कितनी फोन है अभी जब आप ऊपर आओगे तो ये आपके सामने पहला केव आएगा। सो चलो लेट्स एक्सप्लोर इट। पूरा स्ट्रक्चर एक पहाड़ के अंदर कार्व किया गया है, मतलब आप ये सिमेट्रिकल है कितना आप देख सकते हो ये सर्कल, और उसके ऊपर जो कार्विंग देख सकते हो आप कि कैसी है, एक 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 डिटेल्स आप देख सकते हो। सो दिस इज़ इंडियन आर्किटेक्चर, मतलब ब्यूटी ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर रियली। एकदम टॉप पे आ गए और मेरे दोस्त उससे भी टॉप पे गए, कहाँ से गए कैसे गए पता नहीं, नो आइडिया। देखते अभी एक क्राउड जा रहा है यहाँ से है क्या, देखते। सो हम लोग फाइनली टॉप पे आ चुके। अबे रुकना, बोलने दे रहा, शांत रहो ना जरा, तू दूर दूर जाना। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। सो मैं फाइनली पूरा टॉप पे हम लोग चढ़ चुके और यही एंड है, मतलब यहाँ से बहुत जगह ऐसे छोटे छोटे ऐसे स्ट्रीम्स या फिर गली आप बोल सकते हो, जो भी पाथ्स निकले बहुत सारे छोटे छोटे जहाँ से आप जा सकते हो या वहाँ एक्सप्लोर कर सकते हो। और ये मेन टॉप है पूरा कानेरी केव्स के ऊपर का, जो पूरा एक प्लेन प्लेट्यू टाइप है, एंड पूरा यहाँ से आपको व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ से हम लोग ऊपर आए, आगे जाके थोड़ा सा रास्ता है स्टेप्स टाइप, प्रॉपर स्टेप्स नहीं है और मुश्किल भी है ना। यहाँ से भी आगे झाड़ के यहाँ से थोड़ा रास्ता है, बट वहाँ से और एक्सप्लोर करने के लिए, नीचे जाने के लिए आई डोंट थिंक वहाँ से है। और पूरा मतलब जितना भी नेशनल पार्क स्प्रेड है पूरा यहाँ से दिख जाएगा। बहुत मतलब बहुत बहुत थकान हो गई ऊपर आने में, सच बोलो तो इजी नहीं है और बट वर्थ है, हाँ वर्थ तो है, मज़ा आ जाता है। हम लोग जो पहाड़ पे जाते हैं कैंपिंग करने के लिए, पास वाला है वो ऐसे ही है, बट इधर इधर सच में मज़ा आता है, ये प्रॉपर पहाड़ है।
अभी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे अच्छा फोटो कहाँ पे आ सकता है, मतलब थोड़ा एरिया का मुआयना ले रहा हूँ। जैसे कि वो देखो, वो नॉर्मल मनुष्य है, उन्हें जहाँ मिल जाए वहाँ पे चालू हो जाते हैं, बट वी आर सुपीरियर बींग्स, तो हमें पहले सोचना है, क्योंकि हमें वो भगवान ने दिया है दिमाग। तो सोचो कि पहले अच्छा कहाँ आएगा, तो वहाँ पे सिटी एरिया है, तो सिटी एरिया तो लोग रोज़ देखते हैं, बट वो सिटीस्केप रोज़ नहीं दिखने मिलता, तो वो एक यूनिकनेस है। यहाँ पे आधे क्लाउड्स पहाड़ पे जॉइन हो गए और आधा क्लाउड और आधा पहाड़ दिख रहे हैं, तो एक यूनिकनेस है इस जगह की। तो ऐसा हम जगह ढूंढेंगे और फिर वहाँ पे कैप्चर करेंगे, क्योंकि फिर वहाँ अच्छा फोटो आएगा। ओके, यहाँ पे आपको नेशनल पार्क से रिलेटेड हर चीज़ मिल जाएगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी होगी। अभी मुझे कुछ लेना नहीं था, इसलिए मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, क्यों टाइम वेस्ट करूँ, वैसे भी थोड़ा लेट हो गया। सो आई होप आपको आज का व्लॉग देख के मज़ा आया होगा, और अगर मज़ा आया तो हमेशा की तरह लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और मैं ऐसे और मज़ेदार व्लॉग लाते रहूँगा। सो टू कनेक्ट विथ मी यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो मिलते हैं आपको नए व्लॉग में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।